नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिपेंडेंट सिटीजन न्यूज़, आम जनता की आवाज़, ताज़ा तरीन खबरों के साथ। जनपद फर्रुखाबाद में उप मुख्यमंत्री माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य फर्रुखाबाद में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने बीजेपी के द्वारा 9 सालों में किए गए कार्य को बताया, साथ में 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट करने की अपील की। इस मौके पर उपस्थित माननीय फर्रुखाबाद सांसद श्री मुकेश राजपूत, MLC प्रिंसुदत्त द्विवेदी, कायमगंज विधायक सुरभि कटियार, अलीगंज विधायक सत्यपाल सिंह राठौर, फर्रुखाबाद विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी, अमृतपुर विधायक सुशील शाक्या, भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष मोनिका यादव, कुमारगंज ब्लॉक प्रमुख फतेह चंद वर्मा, जिला अध्यक्ष रूपेश गुप्ता आदि लोग मौके पर मौजूद रहे। जनपद फर्रुखाबाद से रिपोर्टर शादाब खान की खास रिपोर्ट। गायब हो गई एक रायबरेली वाली सीट बची है, मैं आपको बता रहा हूँ। फर्रुखाबाद 100 में 60 हमारा है, 40% में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है, ये हम कहते थे। लेकिन मैं 2024 के लिए नारा लगा रहा हूँ, 100 में से 75% हमारा है, 25% में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है। आप कहोगे कैसे, तो क्योंकि हमने सबका साथ सबका विकास किया है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है। जो हमें वोट दिया था हमने उसकी भी सेवा की, जिसने हमें वोट नहीं दिया हमने उसकी भी सेवा की। हमने आवास दिया तो सबको दिया, गैस का कनेक्शन दिया तो सबको दिया, पानी का कनेक्शन दे रहे तो सबको दे रहे हैं। चारों तरफ कोई काम में हम लोगों ने पीछे हटने का काम नहीं किया। आज समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस तो उत्तर प्रदेश से वैसे ही गायब हो गई, एक रायबरेली वाली सीट बची है। मैं आपको बता रहा हूँ फर्रुखाबाद में 2024 में रायबरेली में भी कमल खिलेगा, कांग्रेस मुक्त उत्तर प्रदेश हो जाएगा। लेकिन मैं आप सब लोग, उन्होंने सबसे पहला काम किया हमारी बॉर्डर पर सड़कें बनाई, रेलवे के पुल बनाए, नई नई हवाई पट्टियां बनाई, सैनिकों को नए नए साजो सामान उपलब्ध कराए। और आपने देखा कि पिछले साल जब चीन ने दोबारा वो हिमाकत करने की कोशिश करी तो पहले से घात लगाए जो भारत के सेना के जवान थे, उन्होंने लाठी लाठी ठुकाई करके उनको वापस खदेड़ने का काम कर दिया। ये अंतर कोई लेके आया तो हमारी सरकार लेके आई। साथियों, धारा 370 के बारे में आप जानते हैं, राम मंदिर के बारे में सबने बताया, आप जानते हैं कितना परिवर्तन हमारी सरकार लेके आई है। हमारे यहाँ पर माताओं बहनों की संख्या बहुत अच्छी है। मैं फर्रुखाबाद की जब भी बात करता हूँ, ये बरसात का मौसम शुरू हो गया है, हमारे पूरे गंगा पार की तमाम क्षेत्र के लोग आए हुए हैं। पुराने समय में जब शौचालय नहीं हुआ करते थे, बाढ़ का समय जब आता था, खेतों में पानी भर जाया करता था, तो उस समय परिवार की माताओं बहनों को हाईवे के किनारे शौच के लिए जाना पड़ता था। जब हाईवे किनारे शौच के लिए जाना पड़ता था, सामने ट्रक बस गाड़ी की लाइट पड़ती थी।